नमस्कार दोस्तों, आपके और मेरे फोन पर लगातार आने वाले अनजान मैसेज और कॉल हर दिन हमें परेशान करते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब जैसी सर्विस होने के बावजूद भी इस तरह के SMS और कॉल निरंतर हमारे फोन पर आते रहते हैं। इन्हीं सभी परेशानियों के चलते अब ट्राई ने अपने कुछ नए नियमों में बदलाव करते हुए जनता के सामने पेश करने की कोशिश की है। अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने एक बार फिर से अवांछित संदेश और फोन कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए नई पहल की है। इसके तहत वाणिज्य संचार के लिहाज से प्रमुख संस्थाओं में उपभोक्ताओं की सहमति को डिजिटल रूप में पंजीकृत करने के लिए ट्राई ने एक मंच विकसित करने का निर्देश दिया है। समस्या अब इसमें यह है कि वाणिज्य संचार के मकसद से इस तरह की गतिविधियों के लिए अगर उपभोक्ताओं से सहमति ली भी जाती है तो उसमें वैसी बातें विस्तार से नहीं बताई और समझाई जाती जो व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जी हाँ, थोड़े से इसके अंदर कन्फ्यूजिंग रहती है और उसी के कारण से परेशानियां बढ़ती चली जाती है। हालात यह है कि निजी मोबाइल नंबर भी कुछ वाणिज्य कंपनियों के पास पहुंच जाते हैं और फिर अक्सर लोगों को फोन पर किसी कारोबार के लुभावने प्रस्ताव में फंसाने की कोशिश की जाती है। यह उससे संबंधित संदेश भेजे जाते हैं। ऐसे करते समय यह ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि व्यक्ति किस परिस्थिति में है, यानी कि आप किसी मीटिंग में हैं या फिर कहीं इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, किसी इमरजेंसी में है, वो इस बात का ध्यान नहीं रखते। 2011 में ट्राई ने डू नॉट डिस्टर्ब सुविधा की शुरुआत की थी, जिसके तहत लोगों को अवांछित संदेशों और फोन कॉल से छुटकारा मिलने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद आज भी यह समस्या ज्यों की त्यों कायम है और लगातार ये बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए, अगर आपने अक्सर देखा होगा, नोट भी किया होगा, अगर आप PVR या फिर किसी सिनेमा में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, तो मल्टीप्लेक्स में जब जाते हैं तो कई जगह पर आपसे आपका फ़ोन नंबर लिया जाता है। आप किसी कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं, वहाँ पर भी एंट्री जब आप करते हो तो आपका नंबर लिया जाता है। आप किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर भी आपका नंबर लिया जाता है। कई ऐसी जगहें होती हैं, कई बार आप किसी बड़े स्टोर में जाते हो, वहाँ पर भी आपका नंबर लिया जाता है। वो जो नंबर होता है वो अपने डाटा बस के लिए वो यूज़ करते हैं। कई बार आपने शॉपिंग मॉल में गए, आप किसी मार्ट में गए, आपने वहाँ से भी सामान खरीदा, आपने वहाँ पर भी जो है अपना नंबर दिया। अब जब ये नंबर होता है, वो नंबर जो है कॉरपोरेट जो वर्ल्ड है अपने लिए यूज़ करता है। जब समय समय पर इन लोगों को स्कीम निकालनी होती है, कुछ लुभावने ऑफर आपको देने होते हैं या फिर किसी और काम के लिए, ये लगातार उस डेटाबेस का उपयोग करते हैं और इसी कारण से ये अनवांटेड मैसेज एंड कॉल आप तक रिसीव होते हैं। इन कॉल और मैसेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं ध्यान रखते हैं कि उस वक्त जो यूज़र है वो क्या कर रहा होगा, क्या वो किसी मीटिंग में है, किसी आपातकाल परिस्थिति में है, इमरजेंसी कुछ उसके पास होगी। और इसी से बचने के लिए अब ये कुछ नियमों में बदलाव कर रहा है। आपको क्या लगता है, इस बदलाव के बाद भी क्या ये इस तरह के मैसेज और कॉल रुक पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।